नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को आर स्क्वायर डीएनए क्लासेस में स्वागत है। और ये मैं डॉक्टर रतीश चंद मिश्रा और मेरी पत्नी हैं डॉक्टर रोजी कुमारी। दोनों आगे कोशिश रहेगी कि इससे रिलेटेड हम जेआरएफ नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, इसका आप लोग लाभ उठा पाएंगे। एनफिनिशन एक्सपेरिमेंट आज का टॉपिक है। एनफेंसन एक्सपेरिमेंट आप लोगों को नाम से ही पता है कि ये एनफेंसन एक साइंटिस्ट का नाम है और एक प्रोटीन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। रेबोन्यूक्लिएज से रिलेटेड, रीफोल्डिंग ऑफ रेबोन्यूक्लिएजेस, ये आपका रेबोन्यूक्लिएज का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और ये रहे आपके एनफेंसन, इनका पूरा नाम क्रिस्टियन बॉयमर एनफिनसन जूनियर या जे आर का और भी मतलब हो सकता है, वाज एन अमेरिकन बायोकेमिस्ट। ही शेयर द 1972 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री विद स्टैनफोर्ड मूरे एंड विलियम हॉवर्ड एस्टेन फॉर वर्क ऑन राइबोन्यूक्लिएज स्पेशली कंसर्निंग द कनेक्शन बिटवीन द अमाइनो एसिड सिक्वेंस एंड द बायोलॉजिकली एक्टिव कन्फॉर्मेशन, कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस और उसकी एक्टिविटी क्या होती है, इससे को लेके इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनके जो दो साथी थे, ये स्टैनफोर्ड मूरे और विलियम स्टैन, ये दोनों बैठे हैं, वो जो एनफिनसन थे वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे और ये दोनों ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। इन ये भी केमिस्ट हैं और इन्होंने डाइसल्फाइड लिंकेज जो होती है प्रोटीन में वो स्टडी किया था। और अंडरस्टैंडिंग देख लिखा भी है कि बोल्ड कर रखा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एक्टिव सेंटर ऑफ द राइबोन्यूक्लिएज मॉलिक्यूल, इनका ये था। और इनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी और अमाइनो एसिड सिक्वेंस से कंसर्न था कि उसका क्या रोल रहता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। ये अमेरिका में किए, वो लोग यूके में किए और दोनों को 1972 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। और क्या था एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट ये है कि मान के चले ये आपका प्रोटीन है राइबोन्यूक्लिएज ए, और राइबोन्यूक्लिएज ए जो है उसमें 124 अमाइनो एसिड होता है, मोलिकुलर वेट 13,700 ग्राम होता है और इसमें चार डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। चार डाइसल्फाइड लिंकेज 8-16 मॉलिक्यूल के बीच में बनता है और ये जो 72-65 ये आपके पोजीशन है आपके अमाइनो एसिड के 16 के, ये नेटिव फॉर्म है। इस नेटिव फॉर्म में ये फंक्शनल है। जब इसमें कोई डिनेचरेंट, मतलब डिनेचरेंट की जगह पे यहाँ पे यूरिया लिया है इन लोगों ने और रिड्यूसिंग एजेंट में इन्होंने बीटा मरकेप्टो इथेनॉल लिया। इन्होंने जब ये लिया तो देखा कि जितने भी इनके डाइसल्फाइड लिंकेज थे वो टूट गए, जितने वीक इन फोल्डिंग जो थी वो बिल्कुल अनफोल्ड हो गया। तो डिनेचर इसी को कहते हैं जब नेटिव फॉर्म से उसके, चाहे हीट से, चाहे एसिड ट्रीटमेंट से, या कोई सॉल्वेंट के ट्रीटमेंट से, या कोई रिडक्टेंट के ट्रीटमेंट से, उसकी ओरिजिनल पोजीशन जब उसके वीक इंट्रैक्शन सारे टूट जाते हैं, उसके सल्फर बॉन्ड का जो ब्रिज रहता है डाइसल्फाइड लिंकेज वो भी जब टूट जाता है पेप्टाइड बॉन्ड के छोड़ के, तो उसी को हम डीनेचुरेशन भी कहते हैं प्रोटीन का। चाहे आप लोग जब दूध दूध को भी छोड़ देते खट्टा हो जाता है तो वो उसका भी स्ट्रक्चर जो दूध का चेंज हो जाता है वो भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। चाहे अंडे को आप जब गर्म करते हैं तो उसका जो वाइट जो पार्ट रहता है वो कैसे हो जाता है डीनेचुरेशन के बाद, तो ये सब सारे प्रोसेस हैं डीनेचुरेशन के। तो जब इन्होंने क्या किया, देखा कि ये अनफोल्ड हो गया और इनकी एक्टिविटी उन्होंने चेक की तो देखा इन पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो इससे ये पता कर चल गया कि भाई प्रोटीन जो है ये एंजाइम तभी एक्टिव रहेगा कि जब उसके प्रॉपर फोल्डिंग हुआ रहेगा। अब फिर इन्होंने क्या किया कि जब यूरिया और मरकेप्टो इथेनॉल को रिमूव कर दिया तो फिर से देखे कि नेटिव फॉर्म में आ गया। तो इससे यही पता चलता है कि
जो इसका वीक इंटरेक्शन है वही इसकी एक्टिविटी और इसके डाइसल्फाइड ब्रिज। हाँ, एक और इन्होंने देखा था कि मरकेप्टो इथेनॉल को हटा दिया, यूरिया को रहने दिया, और इन्होंने देखा कि सल्फर ब्रिज तो बना, लेकिन जहाँ पे जिसको जैसे 65 को 72 से फोल्डिंग है इसमें राइबोन्यूक्लिज एक केस में, वहाँ से नहीं होगा किसी और से, क्योंकि इनके चांस है कि चाहे तो इससे भी बना लें इससे बना, टोटल 105 तरीके हैं ये आपस में फोल्डिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से ब्रिज बना सकते हैं सल्फर। तो देखा कि जब मरकप्टो इथेनॉल नहीं है लेकिन यूरिया है तो उस केस में प्रॉपर डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं बना, जिसके कारण भी एक्टिविटी नहीं हुई। तो इसके लिए यही हुआ कि भाई प्रॉपर इसकी फोल्डिंग के लिए वीक इंटरेक्शन की बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे उसकी एक्टिविटी तभी होगी जब उसकी प्रॉपर फोल्डिंग होगी। तो इनका ये एक्सपेरिमेंट था और इसी पे इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, इससे आगे यदि हम कुछ और बताना चाहें तो इनके एक मैंने रिसर्च पेपर देख रहा था इन दोनों से रिलेटेड, तो इन्फिनसन एक्सपेरिमेंट, और इन्फिनसन एक्सपेरिमेंट की इसको जब मैं स्टडी कर रहा था तो इन्होंने पहले बताया कि प्रोटीन डिनेचुरेशन किस किस कारणों से हो सकता है या इनएक्टिवेशन, तो वही है हीट, टेम्परेचर, साल्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आया दूसरा क्वेश्चन कि इमरजेंस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। प्रोटीन फोल्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा, जैसे हमारा हेयर है, नेल्स हैं, ये सारे प्रोटीन ही इसमें है, अरेंजमेंट हो रखी है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो इस फोल्डिंग को कैसे डिटरमाइन करें, ये सब क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर इसमें आगे जाके एक चीज़ मेरे को, जो मैं इसलिए आप लोगों को लाया गया कि भाई राइबोन्यूक्लिज ए को ही इन लोगों ने क्यों चुना इतने, जबकि उस समय में हेमोग्लोबिन जो फर्स्ट प्रोटीन का, सबसे पहले जो किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया था वो मायोग्लोबिन था, उसके बाद हेमोग्लोबिन था, और उस समय तक इंसुलिन का भी सीक्वेंसिंग भी हो गया था, पहला जो उसका पहला प्रोटीन जो इंसुलिन था जिसका सीक्वेंस हुआ था। तो इन्होंने क्वेश्चन ये हुआ कि ये एनआईएच में उन्होंने, चूंकि एक्सपेरिमेंट जो हुआ था आरएनएज ए को ही क्यों चुना गया, तो इसका कारण ये था कि एक तो बहुत अमाउंट में मिल गया इन लोगों को, ये सब सारे रीजन थे, अवेलेबल इन ए लार्ज क्वांटिटी, चीप फ्रॉम द स्लो स्लॉदर हाउस, मतलब वही बुच्चर खाना जिसको हम इंडिया में कहते हैं, वहाँ से इन्होंने पशुओं से निकाल लिए, सिक्रेटेड एट हाई कंसंट्रेशन इन द स्टोमक, स्टेबल ड्यूरिंग प्योरीफिकेशन, ये स्टेबल होता है प्योरीफिकेशन के दौरान, रजिस्टेंस रजिस्टेंट टू रिजिडुअल प्रोटीज, कोई प्रोटीज इसको नहीं डिग्रेड करता है, रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड मैकेनिकल डिनेचुरेशन, रेजिस्टेंट टू कोल्ड डिनेचुरेशन, वेरी वेरी सोल्यूबल इन एक्वस बफर, डज नॉट एग्रीगेट या सेल्फ एसोसिएट। तो ये सब कारण थे जिसके कारण रेबोन्यूक्लिज ए को इन लोगों ने चुना। तो दूसरा फिर क्वेश्चन उठता है, तो ये क्या था रेबन द सेकेंड प्रोटीन एंड फर्स्ट इंजाइम रेबोन, पहले जो था इंसुलिन का सिक्वेंसिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद जो दूस किसी का सिक्वेंसिंग हुआ था तो ये आपका रेबोन्यूक्लिएज था। ठीक है, इसके बारे में कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इंसुलिन वाज द फर्स्ट प्रोटीन हुज अमीनो एसिड सीक्वेंस वाज नोन एक्सप्लिसिटली इंटीमेटली एसोसिएटेड विद ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम बट सेट एसाइड, वह इसको नहीं लिए पर राइबोन्यूक्लिएज के लिए, उसके कारण यही थे जो हमने अभी बताया। और उसके बाद और देखे व्हाई इट इज इट स्टेबल, ये स्टेबल क्यों होता है, फंक्शन ऑफ द स्टोमेक ऑफ द कॉ इवॉल्व टू सर्वाइव इन द डिफिकल्ट इन्वायरमेंट इन प्रेजेंस ऑफ पे प्रोटीज एसिड पीएच, मतलब ये एसिडिक पीएच और प्रोटीज के प्रेजेंस में जो स्टेबल रहता है इसीलिए इसको आसानी से कम, अब बाकी सारे फीचर आपने देख लिया। सो नॉट बाय चांस दैट आरएनएज वाज सो इमेनेबल टू प्योरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन इवॉल्व प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, आरएनएज वाज प्रोटीन यूज टू डेवलप वेरी बेसिक मेथड ऑफ अमाइनो एसिड कंपोजिशन एनालिसिस, ये सारे टेक्निक जो यूज किए जाते हैं प्रोटीन आइसोलेशन में, जेल फिल्ट्रेशन, डीईए क्रोमेटोग्राफी, एडमेन रिएजेंट, ट्रिप्टिक मैपिंग, मेनी अदर टेक्निक, इस सबसे। फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में इन्होंने बताया कि भाई स्टैन पोरमोरे और इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर, इनका पेपर है द शेयरिंग नॉलेज अमोंग द दिस दिस, कि भाई 124 अमीनो एसिड है उसका इतना वेट है,
37% बीटा स्ट्रैंड होता है, 23% अल्फा हेलिक्स होता है, रिस्ट कॉइल होता है। टोटल राइबोन्यूक्लियस के बारे में इन्होंने केमिस्ट्री इन दोनों साइंटिस्ट ने स्टडी की थी। और 816 मॉलिक्यूल चार जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो इन्होंने जैसे वहाँ पे हमने स्ट्रक्चरली दिखाए थे पीपीटी में, और ये आपका पीडीएफ में बता दे कि इन इन अमाइनो एसिड के बीच में हुआ था, ठीक है, इनके पीएच का रेंज कितना। तो ये सब सारे टेक्निक और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट रीजन है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आगे जो है हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम बायोकेमिस्ट्री में चल रहे हैं, तो प्रोटीन फोल्डिंग का चल रहा था और कुछ ये रेफरेंस है, तो ये हो सकता है तो मैं इस पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए।